हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के लिए आज बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि एक तरफ मनोहर लाल खट्टर को फिर से सत्ता का तख्त मिला है तो वहीं दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम और पिता का साथ मिला है। जी हां, आज ही के दिन अजय चौटाला को राहत मिली है, वो अपने बेटे के जश्न में शरीक हो रहे हैं। लेकिन अचानक शपथ ग्रहण वाले दिन मिली फंडों को लेकर प्रियंका गांधी ने बीजेपी को जमकर घेरा है। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी नेता ने कहा था कि हमारे पास ऐसी मशीन है जो हमारा साथ देने वालों के दांत धो देती है। चुनाव के बाद जैसे ही जेजेपी ने बीजेपी का साथ दिया, वैसे ही बीजेपी की उस चमत्कारी मशीन ने काम करना शुरू कर दिया। तभी तो सालों से शिक्षक भर्ती मामले में फंसे अजय चौटाला को अचानक फरलो मिल गई, जिस पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आक्रामक तेवर दिखाए हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि अखिल भारतीय भ्रष्टाचार धुलाई मशीन चालू आहे। वहीं इसी मुद्दे को लेकर प्रियंका के साथ साथ कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग के प्रमुख रोहन गुप्ता ने भी बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने लिखा कि ये न्यू इंडिया है दोस्तों, यहाँ कुर्सी खतरे में आते ही सब संभव हो जाता है, ना कोई कायदा है ना कोई कानून, यहाँ पर है सिर्फ सत्ता बचाने का जुनून। जब बीजेपी को सत्ता मिलेगी, जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला के समर्थन के बदले पिता अजय चौटाला को कैद से छूट मिलेगी, तो सवाल तो उठेंगे ही कि क्या जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने अपने पिता को राहत देने के लिए बीजेपी का साथ दिया है। क्या सत्ता की जरूरत नहीं बल्कि पिता की मजबूरी के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। इन्हीं सवालों के साथ विपक्ष बीजेपी से लेकर दुष्यंत चौटाला को घेर रहा है, जिस पर न बीजेपी कुछ बोलने को तैयार है और न ही जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला। वो तो पिता को फरलो मिलने और डिप्टी सीएम का पद मिलने की खुशी मना रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि क्या दुष्यंत ने बीजेपी को सत्ता की चाबी सौंपकर सही किया। डीबी लाइव की रिपोर्ट।